एग्जाम्पल ऑफ ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन वन वीडियो। हेलो एवरीवन, हम लोग अभी देखेंगे कि कई ऐसे डिजीज होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिशन की वजह से फैलते हैं, तो उसी का एक ट्रिक है। अच्छा, एग्जाम में कैसे इसका पूछता है कि मान लीजिए मलेरिया दे दिया, डेंगू दे दिया, चिकनगुनिया दे दिया, एक जेनेटिक हर्पीस दे दिया, तो पूछेगा भी द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये तो आसान हो गया। हार्ड इसको करना होता है, 10-15 एग्जाम्पल दे देता है और कहता है इनमें से कितने ऐसे हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज आर रिलेटेड टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक्स हम लोग ध्यान रखेंगे। G3 सबमिट है कोमल पार्टी दो। अच्छा, कोमल को जो है G3 सबमिट में इन्विटेशन आया है तो उसमें उसको जाना है, उसके फ्रेंड कह रहे हैं पार्टी दो। फ्रेंड्स तो आपको पता ही है, कुछ भी ले लो, फ़ोन ले लो पार्टी दो, कहीं जा रहे हैं पार्टी दो, कुछ भी करो फ्रेंड्स कहते हैं पार्टी दो। तो फ्रेंड्स यही कह रहे हैं पार्टी दो कोमल को, G3 सबमिट है। ठीक है, तो G3 से क्या है, जेनेटल वार्ड्स, जेनेटल हर्पीस, गोनोरिया, है ना। G3 हो गया अपना जेनेटल वार्ड्स, जेनेटल हर्पीस, गोनोरिया, सबमिट, सिंफिलिस, है से याद आ जाएगा हमें HIV, कोमल, ट्राइकोनियासिस। ठीक है, कोमल का है ट्राइकोनियासिस। फिर क्या है, पार्टी, हेपाटिटिस बी, फिर दो, क्लेमाइडियासिस। ठीक है, ये हो गया अपना ट्रिक हो गया। अच्छा, अगले पैरामीसी पेज में NCERT में दिया हुआ है कि इनमें से तीन ऐसे बीमारी भी हैं, इन सब में से तीन जो अनक्यूरेबल हैं। तो अनक्यूरेबल कौन है, H, जितने भी H है, तीन ही H है टोटल, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इससे याद रहेगा हमें। तो 3 H ऐसे बीमारी हैं जो कि अनक्यूरेबल है। तो H से क्या आ गया, जेनेटल हर्पीज आ गया, है ना, जेनेटल हर्पीज एक आ गया, दूसरा क्या आ गया हेपेटाइटिस बी, और तीसरा क्या आ गया HIV। टोटल 3 है, हेपेटाइटिस बी, HIV और जेनेटल हर्पीज। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।